ऑर्गेनाइजेशन एवरी परसन इन दोसाइटीड इमोशनल इंटेलिजेंस एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड इनहेरिटेड कैपेबिलिटी को वी कैन ट्रेन वी कैन डिवेलप और वो फर्दर लर्न कर सकता है अपनी कैपेबिलिटीज को एनहानस करने के तरीके लेकिन याद रखिएगा कि हर शख्स में ऑब्वियसली डेवलपमेंट का भी एक लिमिट मखसूस मुखु, मुखु, होगा और ऑब्वियसली हर शख्स जो है वो एक्सट्रीम पावर्स पर एक्सट्रीम लेवल्स uh, के ऊपर शायद ना पहुंच पाए बिकॉज उसके हालात और मैनर बट दैट पर्सन माइट नॉट बी एबल टू मोजार्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ योर बायोलॉजिकल एंडोमेंट्स एंड ऑब्वियसली It is subjected to your training perspectives. That you achieve Your basically context of biological characteristics. your age, your gender, your uh, experience and exposure aspects? In tamam things have Obviously, your emotional intelligence perspective per. Another important thing is that we cannot force anyone to get emotional intelligence because for self-motivation is hai.

सो so, जब उस तल्लु की स्टेब्लिशमेंट हो जाएगी जब वो एक ट्रस्ट कायम हो जाएगा तो उससे द पीपल वुड बी रेडी कि वो अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर करने के लिए अपनी will, अपनी रेडीनेस अपनी जिदोजहद उसको भी वो इन्वॉल्व करें नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस हमारा मेन पर्सपेक्टिव क्या है हमारा मेन पर्सपेक्टिव ये है कि एक लीडर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेहतर तौर लोगों को कैसे डेवेलप गाइड ट्रेन वो कर सकता है देयर जैसा कि हम एक बेसिक

वो राइट सेट ऑफ पीपल मिल जाएं जिनके एस एस आर इक्वल टू टी डी आर टेकन एप एस क्वालिफाइड तो हम ये कहते हैं कि उनमें क्वालिफिकेशन भी है और दे आर गोइंग टू हैव द राइट सेट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी एंड द एम्प्लॉयबिलिटी इज नो डाउट लिंक्ड विद योर कंपिटेंसी फ्रेमवर्क उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम उनको ट्रेन करते हैं हम उन्हें डेवलप करते हैं तो उस एम्प्लॉयबिलिटी से उनकी जो डेवलपमेंट होगी दैट वुड बी टूवर्ड्स प्रोमोटेबिलिटी

आर गोइंग टू बी इम्प्रूव्ड एंड बेटर डेमोन्स्ट्रेटेड जब उस शख्स के पास राइट इमोशनल इंटेलिजेंस भी हो जब वो शख्स सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ कंट्रोल एम्पथी मोटिवेशन और सोशल इंटेलिजेंस भी डेमोन्स्ट्रेट कर सके तो दैट इज द राइट पर्सन दट वी आर लुकिंग एट डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि द राइट पर्सन हु इज क्वालिफाइड िटी एन द मार्केटिलिटी फॉर द फर्म इज द पर्सन जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ साथ राइट नॉलेज स्किल एंड अदर परसनेजी ट्रेट्स वो मौजूद हैं और हमें ऐसे ही शख्स को ट्रेन करना है रिटेन करना है और उसके टैलेंट को बेहतर बनाना है